जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वी एन सिंह क्लासेस में। जो हम लोग आर्टिकल 16 पे बात कर रहे थे, आर्टिकल 16 जो आपका जो आपके गवर्नमेंट जो ऑफिसेज होते हैं उनमें जो एम्प्लॉयमेंट यानी कि जो लोक नियोजन का के बारे में जो बात की गई है आर्टिकल 16 में हमने बात किया था। इसमें आपके जो रिजर्वेशन है SC ST OBC, ठीक है, इसके अलावा जो आपके अमेंडमेंट हुए हैं आर्टिकल 4A जो आपका प्रमोशन में जो आरक्षण की बात करता है, ठीक है, तो इन सब के अलावा एक और आपका आर्टिकल 2019 में एक अमेंडमेंट और किया गया, 103 अमेंडमेंट, ठीक है, इसके अंतर्गत 2019 में इसे एक्ट किया गया और आपका कह सकते हैं कि एक नया आर्टिकल डाला गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 16(6), ठीक है, आर्टिकल 16(6), और आर्टिकल 16(6) डाल करके जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में यानी लोक नियोजन में जो एक नई कैटेगरी लाई गई EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ठीक है, एक चीज याद रखिएगा कि हमारा जो संविधान है उसमें कहीं भी इकोनॉमिक लेवल पे आरक्षण की बात यानी कि आर्थिक आधार पर पिछड़े की बात किया ही नहीं गया है, ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी कि जो नरसिम्हा राव के जो गवर्नमेंट ने जो आपके ओबीसी को 27% रिजर्वेशन और जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग थे उनको 10% रिजर्वेशन के बारे में 1991 में ही प्रावधान किया गया था, लेकिन जब ये इंदिरा साहनी वाला जो इम्पोर्टेंट जजमेंट हुआ था 1992 में जो आपका जिसे मंडल केस के नाम से भी समझ जानते हैं हम लोग, उसमें आपका 27% वाला जो रिजर्वेशन था वो एक सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग जो थे उनको दिया गया था, आर्थिक आधार पे पिछड़ेपन की बात हमारे संविधान में कहीं की ही नहीं गई थी, ठीक है। इसी आधार को मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो 10% का जो रिजर्वेशन था उसको खत्म कर दिया था, 27% वाले रिजर्वेशन को उसने रखा था, उसी आधार को देखते हुए कि अब जैसे सरकार अगर आपको अगर वैसे ही 10% अगर दे देती तो फिर सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसे खत्म कर दिया जाता। इसीलिए सरकार ने क्या किया कि सबसे पहले संविधान में संशोधन किया और आर्टिकल 16(6) में एक नया वर्ड डाल दिया आपका इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी कि आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उनको, और फिर इस आधार को मान के उसने जो भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं जो भी गवर्नमेंट के जो भी जॉब्स हैं उसमें 10% का रिजर्वेशन दे दिया गया इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के द्वारा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आएगा कौन, तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में देखिए वो लोग आएंगे जो SC ST OBC, ठीक है, या किसी भी अन्य जो प्रिविलेजेस जो उनको आरक्षण मिले हैं, रिजर्वेशन जो मिले हैं, जो छूट मिली हुई है, जो किसी भी कैटेगरी में नहीं आते हैं, जो किसी भी कैटेगरी में नहीं आते हैं वो सभी लोग ये 10% वाला जो रिजर्वेशन है EWS जो रिजर्वेशन है इसमें सभी लोग आ जाएंगे इन लोगों को छोड़ के, यानी कि जो डायरेक्ट रिजर्वेशन का बेनिफिट ले रहा है किसी भी रिजर्वेशन के कैटेगरी के अंतर्गत अगर वो बेनिफिशियल है तो फिर वो EWS के अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है। तो अब कौन EWS के अंतर्गत आएगा, एक तो आपका ये एग्जांपल, इसके पहले हमने बताया था कि 15(6) में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे इंस्टीट्यूशन में जो रिजर्वेशन दिया गया है उस वाले पार्ट में हमने क्राइटेरिया बताई थी कि पर्टिकुलर जो लेयर है कि मतलब एक एनुअल इनकम कितनी होनी चाहिए, कितना आपके पास लैंड एक्वायर होना चाहिए, मतलब ये सब जो आपके जो भी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो हमने आर्टिकल 15(6) जब बताते समय उसी वीडियो में हमने बात की थी, ठीक है। तो ये आपके कुछ आधार है जिसके अंतर्गत आपका EWS तय किया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 17, ठीक है, अस्पृश्यता का अंत यानी कि अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि जो हमारे समाज में छुआछूत जो है उसको खत्म करने की बात करता है आर्टिकल 17, ठीक है। आर्टिकल 17 का जो भी अनटचेबिलिटी यानी कि जो अस्पृश्यता है और उसको किसी भी प्रैक्टिस इनफॉर्म यानी किसी भी तरीके से हम उसे अपने लाइफ में या किसी भी हमारे समाज में हम यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब इससे इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग कुछ बात करें तो याद रख ध्यान दीजिएगा कि अनटचेबिलिटी जो वर्ड है यानी कि जो अस्पृश्यता जो शब्द है इस शब्द को कॉन्स्टिट्यूशन में यानी संविधान में कहीं भी इसे डिफाइन नहीं किया गया है, यानी कि अस्पृश्यता क्या है, अनटचेबिलिटी क्या है, ये संविधान नहीं बताता है कि है क्या। लेकिन एक इंपॉर्टेंट जजमेंट आया था
आपका जो मैसूर कोर्ट है, मैसूर हाई कोर्ट ने इम्पॉर्टेंट जजमेंट में बताया था कि अनटचेबिलिटी जो वर्ड है, जिसको हमको ग्रामरली या वर्डली नहीं लेना है। ये हमारा जो एक तरह से कह सकते हैं कि जो हमारे जो एंशियंट, यानी कि जो हमारे पिछले समय के जो भी हमारे जो हिस्ट्री है, यानी कि हमारा जो पास्ट है, उस पास्ट को रेफरेंस लेके जो हमारे समाज में जो भेदभाव होता है, ठीक है, जो हमारे समाज में जो भेदभाव होता है, उन सब आधार को मान के हम लोग अस्पृश्यता को देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बाई बर्थ हो गया, ठीक है, बर्थ हो गया, या कास्ट हो गया, ठीक है, या आपका डिसेंट हो गया, इन सब के आधार पे जो छुआ किसी के साथ अगर भेदभाव किया जाता है, तो वो आपका अनटचेबिलिटी के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अब मान लीजिए अगर कोई आपका सोशल बॉयकॉट हो रहा है, ठीक है, सोशल जो बॉयकॉट होता है, ये आपका, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि ये आपका अनटचेबिलिटी छुआछूत के अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है। तो अब देखिए, बहुत मतलब कह सकते हैं कि जो आपका अनटचेबिलिटी है, बहुत ब्रॉड लेवल में हम लोग यूज कर सकते हैं, बहुत बड़ा चीज है। और इसको रोकने के लिए स्टेट को ये पावर दी गई थी कि अनटचेबिलिटी को आधार बना के जो हमारी स्टेट है, अब स्टेट क्या है, स्टेट वही है जो आर्टिकल 12 में कहा गया है, यानी कि उसके पास पूरा पावर है कि अनटचेबिलिटी को रोकने के लिए वो कानून बना सकती है। और इसी पावर को यूज करते हुए सरकार ने 1955 में एक्ट बनाया था, द अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955। 1976 में सरकार ने इस एक्ट को अमेंड किया और इसका नाम बदल के कर दिया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। यानी कि अगर आप किसी भी, और ये आप याद रखिएगा कि ये आपका जो एक्ट है, इस ये एक्ट आपका पनिशेबल है, ये एक्ट आपका पनिशेबल है, यानी कि अगर आप किसी के साथ भी भेदभाव करते हैं, तो लगभग आपको 3 साल तक की सजा हो सकती है, ठीक है, ठीक है, तो 3 साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा अगर हम लोग कुछ और बात करें, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर कि सबसे अगर हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें, तो मान लीजिए अगर किसी को इस एक्ट के आधार पर, यानी कि अनटचेबिलिटी के आधार पर अगर किसी का कन्विक्शन हो गया है, तो वो डायरेक्ट किसी भी इलेक्शन में कंसेंट, यानी कि नहीं कर सकता, चुनाव नहीं लड़ सकता, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका अनटचेबिलिटी को लेकर, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आर्टिकल 18 पे बात करेंगे कल। थैंक यू, जय हिंद।